हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी आर जे ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज की स्पिरिचुअल ब्लॉग पार्ट टू में हम आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय का श्रवण कराएंगे। दोस्तों, कथावाचक आचार्य श्री दिनेश प्रसाद बहुणा जी के द्वारा, मुखारविंद के द्वारा आपको सुनाई जाएगी। तो आप कथा का आनंद लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। लो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करेंगे। रमा भोजनित्रम रमा तेलिपात्रम चक्रवाहु चामे करो नित गात्रम जगत प्राण हेतु रिपो धूम्र केतु सदा सत्य नारायण वासुदेव सदा सत्य नारायण वासुदेव व्यास वाचा एकदा मने सारण्य ऋषिया सोन का दिया प्रोच्य प्रमसुतम सूतम पौराणिकम खलो। अब कथा शुरू हो रही है, आप लोग जो ध्यान पूर्वक कथा सुने। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य नामक तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और देव योग से वहां पर श्री सूत जी का आगमन हुआ। ऋषियों ने सूत जी का आदर सत्कार किया और उन्हें चासन पर विराजमान किया और सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आप तो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप बताएं कि जिस व्रत या तप से हमारा अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसे सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ठीक इसी प्रकार एक समय देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी को बताया उसे सुने। एक समय देवर्षि नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में भ्रमण करते मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए। समस्त प्राणियों को विभिन्न प्रकार के क्लेशों एवं स्वकीय कर्मों से दुखी देकर इन प्राणियों का दुख किस प्रकार से दूर होगा, ऐसा नारद जी मन में विचार करने लगे और उनकी समझ में आया कि इनका दुख तो केवल वही परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं। मुझे उनके पास जाना चाहिए। और नारद जी ने वहां से वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। कुछ समय पश्चात देवर्षि नारद वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां पर श्वेत वर्ण चतुर्भुज शंख चक्रधा पद वाला से अलंकृत देवादेव भगवान विष्णु को देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप मन और वाणी से अगोचर रूप वाले अमित शक्ति वाले हैं। आपका न आदि है न मध्य न अंत है, रजो गुणादि रहते हैं तथा भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप क्यों आए? आपके मन में अवश्य कोई बात है। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं अभी मृत्यु लोक से आ रहा हूं। वहां पर संपूर्ण प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए, अपने पाप कर्मों के कारण दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बताएं इन प्राणियों का दुख किस प्रकार से दूर होगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से छूट जाता उसे सुने। बहुत पुण्यता स्वर्ग अमृत लोक में परम दुर्लभ है, दुर्लभ व्रत है, परंतु आपके प्रेम दृष्टि के कारण यह व्रत मैं आपको बता रहा हूँ। सत्यनारायण व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राणी श्लोक में शुभ होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, इसको किस दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी सारी विधि विस्तार पूर्वक कहें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और क्लेश को शांत करने वाला है, धन और धान्य को बढ़ाने वाला है, सुख और सौभाग्यता संतता सर्वत्र विजय देने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य के मन में भक्ति और श्रद्धा हो उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण और बंधु बांधव से धर्म में तत्पर हों, सवैया नैवेद्य प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केला फल घी दूध गेहूँ का चूर्ण ले, गेहूँ के चूर्ण के भाव में साठी का चूर्ण शक्कर अथवा गुड़ लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्तिभाव से एकत्र कर भगवान को भोग लगाएं। जन समुदाय से कथा श्रवण करता अमन को दक्षिणा दे। तदनंतर बंधु बांधवों से
भक्ति से स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और नित्य गीता जी गाते हुए रात्रि में भगवान नाम का जागरण करना चाहिए। तत्पश्चात सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए आप अपने घर के लिए प्रस्थान करें। इस प्रकार का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण होती है। विशेषकर कलयुग में यह सबसे सरल और छोटा उपाय है। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।